वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 33 करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश की वर्कशीट है और 19 डेट की वर्कशीट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट वीक से मुड़ास के ऊपर ही वर्कशीट पढ़ रहे हैं, तो आज की जो वर्कशीट है वो मुड़ास की रहने वाली है, लेकिन उसका आज हम थर्ड पार्ट सीखने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि मुड़ास और प्रोबेबिलिटी एंड परमिशन की हम वर्कशीट कम्प्लीट कर चुके हैं और अच्छे से सीख भी चुके हैं, लेकिन आज जो अब हम मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन सजेशन एंड एडवाइस सीखने जा रहे हैं। अगर ऑब्लिगेशन यानी कि अगर कोई कर्तव्य की बात आ जाती है तो वहां पे हमें मस्ट या हैव टू लगाना पड़ता है। देखो मस्ट में तो हमारी इच्छा हो भी सकती है, लेकिन हैव टू में हमारी कई बार इच्छा नहीं होती उसको कंप्लीट करने में, हमें वो मजबूरन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन में आपको पता लग गया दो होते हैं, मस्ट दूसरा हैव टू। उसके बाद सजेशन मतलब होता है किसी को आप सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, कूट लगाया जाता है, लेकिन ये माइल्ड के लिए होता है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। एडवाइस जो है वहां पे ओट टू ए शुड लगाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा मॉरल ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है ओट टू। देखो मैं आपको इसको नीचे बता भी देता हूँ, नीचे ऐसे समझा भी रखा है कि मस्ट और हैव टू जो है वो कंपल्शन वो चीज होनी ही होनी है वहां लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब बहुत बड़ा कर्तव्य के तौर पर इसे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल भी आपके सामने लेके आप देख सकते हैं, एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे, हर किसी को शनिवार से पहले अपना वर्क सबमिट करना है तो करना है। ठीक है, आई हैव टू वॉश डिशेज टूडे, मुझे सारे के सारे जो डिशेज है उन्हें साफ करनी पड़ी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो अगर हमारी इच्छा इसमें नहीं भी है तब भी हमें करना पड़ता है, इसलिए हैव टू का यूज किया जाता है। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, आपको यहाँ पर स्मोक नहीं करना, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। जैसे अगर कोई पब्लिक प्लेस है या किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ओ टू वहां लगाया जाता है जहाँ ड्यूटी या आइडियल या मोरल ऑब्लिगेशन की बात होती है। देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात होती है, यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन मतलब जो हमारे को मोरलिटी करनी चाहिए। जैसे आई ओट टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स मोर ऑफन, ठीक है, जैसे मुझे जो है अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको बुलाना चाहिए। देयर ओट टू बी मोर लाइब्रेरी इन द कम्युनिटी, ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी में ज्यादा लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, जो मोरलिटी की बात कर रहे हो वहां पर आपको ओट टू लगाना है। यू ओट टू हेल्प योर नेबर, आपको अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, दे आर क्वारंटाइन एट होम, क्योंकि वो घर पर जो है क्वारंटाइन है। ठीक है, शुड वहां लगाएंगे जहां से एडवाइस कर रहे हैं, जैसे यू शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेस, आपको भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। यू शुड हेल्प एट होम, ठीक है, तुम्हें घर पर ही मदद करनी चाहिए। ऐसे कुड वहां लगाएंगे जहाँ पर माइल्ड सजेशन मतलब बहुत हल्का सा आप सलाह उसको दे रहे हो, ठीक है मानेगा मानेगा नहीं मानेगा नहीं मानेगा। ठीक है, शी कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडे, कि उसे जो है रात को जो है सोना चाहिए संडे में लेट में। ठीक है, लेट तक, क्या टिल मतलब तो तक, संडे में लेट तक उसे सोना चाहिए। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, क्या तुम उसे पूछ सकते हो कि मदद करने के लिए तुम्हारी। ठीक है, तो इस तरीके से माइल्ड सजेशन के लिए यूज होते हैं। अब हम बराबर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आंसर्स आपके सामने, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, लेकिन आप पहले अपने ट्राई कर लीजिए कि आपके आंसर्स यहाँ पर क्या आने चाहिए। जैसे यू डैश पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड, देखो कई बार ये जो मस्ट और ये जो कुड है ना, ये सिचुएशन के बेस पर भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई सिचुएशन तो दे नहीं रखी है। ठीक है, जैसे इस समय हालात क्या है, आपको पता है कि कोरोना की जो डिसीज है वो स्प्रेड हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या अपने फ्रेंड के घर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो है ऑब्लिगेशन कौन सा है, आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, मस्ट और कुड का ऑप्शन है ना। तो मस्ट और कुड का ऑप्शन आप दोनों देखिए, मस्ट वहां के जो कंपल्शन या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, जबकि कुड वहां के माइल्ड सजेशन है, मानना मान नहीं मानना मत मान, है ना। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि इस समय की सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए। जो बच्चे मस्ट कह रहे हैं एक्सीलेंट, ठीक है, तो कई बार हम सिचुएशन अगर चेंज देखते हैं, अगर आपको ऐसी सिचुएशन पाते हैं जहाँ पर ठीक है अभी मान ले मानना है तो वहां पर आपको कुड लगाना है। लेकिन इस समय यहाँ पर जो वर्कशीट है आपने देखा, इसमें क्वारंटाइन भी यूज किया गया था, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, मास्क का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट में हम बढ़ जाते हैं, आई डैश फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड, इस हफ्ते के अंत तक मुझे इस बुक को पूरा करना है, तो करना है। अब बताइए ओट टू हैव टू में से आप क्या लगाएंगे। देखो ओ टू जो है वो आपको वहां लगाना है जहाँ पे ड्यूटी आइडल या मोरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही हो, लेकिन आपको जो हैव टू है वो वहां लगाना होता है
जहाँ पे कंपल्सरी या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात हो, क्योंकि यहाँ पे हमें रीजन दे रखा है कि आपको बाय द वीकेंड आपको कंप्लीट करना ही करना है, तो यहाँ पर मोर ऑब्लिगेशन आ जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे हैव टू का यूज करना है तो करना है। जिन बच्चों ने हैव टू भरा है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो मैं वर्कशीट लाने का मेरा केवल यही उद्देश्य है कि आपको ये पता लग सके कि आपका कितना परसेंट सही निकला है, ठीक है। पहले आप खुद ही ट्राई किया कीजिए, फिर ही आंसर देखा कीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर को कॉपी पेस्ट करते हो तो मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट ही है, फिर मेरा सिखाने का कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड में हमें क्या बोला गया है, यू डैश स्पीक लाउडली इन अ लाइब्रेरी। सिंपल सी बात है, लाइब्रेरी में आपको कभी भी तेज नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है मस्ट नॉट लगाएंगे, जबकि शुड जो है वो एडवाइस के लिए लगाया जाता है। और एक सिंपल सी बात है, क्या आप लाइब्रेरी के लिए एडवाइस दोगे क्या, मतलब इसका मतलब मान ले ठीक है, नहीं मानते तो ना माने, ऐसा थोड़ी होगा। तो हमें यहाँ पे मास्ट नोट का यूज करना है। जिन बच्चों ने सही करा है उन्हें एक्सीलेंट देता हूँ। नेक्स्ट है, इट मे रेन यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। अब सिंपल सी बात है, बारिश हो सकती है तो आपको यहाँ पे एडवाइस ही दे रही, क्योंकि बारिश अभी हुई नहीं है, ठीक है, तो आपको एडवाइस दी जा रही, तो यहाँ पर आप शुड का यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद यह है कि डैश आई बाय दिस डैश, तो यहाँ पर आप कुड का यूज करोगे, क्योंकि आप एक तरह से माइल सजेशन ले रहे हैं कि भाई क्या मुझे ड्रेस जो है बाय खरीदनी चाहिए, तो ठीक है कुड का यूज करोगे, आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है, आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। तो आपको पता है ओट टू कहाँ लगाया जाता है, हैव टू कहाँ लगाया जाता है, हैव टू वहाँ लगाया जाता है जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात हो, मैंने आपको कहा था यहाँ पर कभी कभी इच्छा नहीं होती, लेकिन आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो आपका एक ऑब्लिगेशन है, मोरल आइडियल है, ठीक है, एक आदर्शपन है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आप ओट टू का यूज करेंगे। कई बार यहाँ पर अगर आपको ओट टू का ऑप्शन नहीं दिया होता और यहाँ पर शुड का ऑप्शन दिया होता तो आप यहाँ पर शुड लगाते। कई बार ये होता है कि एक ही जगह पर एक से ज्यादा मोरल्स का यूज हो सकता है, आपका गलत नहीं माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर बहुत क्लियर कर रखा है ओट टू हैव टू दे रखा, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। यू डैश वरी आई हैव पेड द बिल। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने बिल भर दिया है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात कहाँ से आ गई। यहाँ तो एक तरह से उसको एडवाइस ही दे रहा है कि हाँ भाई देख तू टेंशन मत ले, मैंने बिल भर दिया है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे शुड नोट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यू डैश विजिट अ डॉक्टर यू लुक इल। देखो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें बीमार दिखाई दे रहे हो। अब एक बात बताओ, अगर वो बीमार दिखाई दे रहा है तो अगर आप उसको माइल सजेशन दोगे क्या, यार जाना थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं जा रहा ना जाए, मेरा क्या जाता है भैया। इस समय बहुत सिचुएशन क्रिटिकल चल रही है, हल्का सा भी बुखार है टेस्ट करवा लो फ्री में, गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है, अगर खुद दिक्कत कर दी तो और लोगों की भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे, तो समझ में आ गई एडवाइस है ये, मान ले भैया, तो यहाँ पे शुड का यूज करोगे। नेक्स्ट है, नाइन, यू डैश वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग बाइक। अब सिंपल सी बात है, अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा भैया, तो इसमें आपकी भी इच्छा है, आप भी तो अपना जीवन बचाना चाहते हो, तो यहाँ पे मास्क का यूज करेंगे, फिर वही चीज आगे कूद के माइल सजेशन दोगे, भैया हेलमेट पहनना तो पहन ले भैया, जुर्माना और लग जाएगा भैया, एक्सीडेंट हो गया और बुरा हाल हो जाना, समझ में आ रही है मेरे बच्चों। नेक्स्ट है, दसवां, सीमा डैश वॉक हार्ड टू पास। अब सिंपल सी बात है भाई, पास होना तो भी मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, क्या लगाओगे, हैज टू लगाओगे ना। देखो हैव टू वो प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे सीमा लिखा हुआ है तो सीमा एक सिंगुलर है ना, तो हैज ही लगाया जाएगा, समझ में आ गई। इस तरीके से प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे से मोरल समझाने की पूरी कोशिश करी है, उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको सच में बहुत अच्छी लगी है तो, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, उन्हें बताएं कि एक टीचर है जो आपको काफी कुछ करवा सकते हैं, तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।